तो ये हम सबके फेवरेट उज्जवल भाई का कासल जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड आज इस पे अटैक होने वाला है काफी सारे चूचू चार्ल्स का। बिकॉज तुम लोग को याद ही होगा अभी कुछ दिन पहले उज्जवल भाई ने चूचू चार्ल्स को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो अपनी हार का बदला लेने के लिए चूचू चार्ल्स अब माइनक्राफ्ट में आ चुका है एंड उसने कसम खा के रखी है कि वो उज्जवल भाई के कासल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए आज मैं काफी सारे यहाँ पर डिफेंस हैक्स बनाने वाला हूँ चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए ताकि वो कासल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। लेट्स गो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है उज्जवल भाई के कासल का गेट, यहीं से चूचू चार्ल्स एंटर करेगा। अभी तुम लोग देख सकते हो अभी दिन हो रहा है, जैसे यहाँ पर रात होगी चूचू चार्ल्स कभी भी आ जाएगा एंड उसके आने से पहले हम लोग को यहाँ पर एकदम डिफेंस तैयार करना पड़ेगा ताकि वो कासल के अंदर ना घुस पाए एंड यहाँ पर तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है तो मुझे यहाँ पर काफी सारे हैक्स बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स गो, फिर काम पे लग जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑब्सीडियन की वॉल बनाई और बीच में मैंने यहाँ पर एक का गैप भी छोड़ दिया है हम लोग के निकलने के लिए। बिकॉज हम लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे होते हैं, हम लोग एक ब्लॉक से यहाँ पर आसानी से निकल जाएंगे, पर जो चूचू चार्ल्स होता है वो तो काफी ज्यादा बड़ा होता है, वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा और यहाँ पर फंस जाएगा और हमारे पास काफी ज्यादा टाइम होगा उसको मारने के लिए। एंड अब अपना नेक्स्ट तैयार करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये चारों तरफ यहाँ पर ये ब्लू वाली फायर जला दी है। वैसे इसको बोलते क्या है मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, अगर तुम में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, बिकॉज ये नॉर्मल वाली से काफी ज्यादा डैमेज करती है। एंड अब मैंने यहाँ पर एक चारों तरफ यहाँ पर 3 ब्लॉक्स का गड्ढा तो कर दिया है, अब बस हम लोग को यहाँ पर इसमें लावा को भरना है। तो जल्दी से इसमें यहाँ पर लावा भी भर देते हैं। ओके, तो मैंने सब जगह यहाँ पर लावा तो डाल दिया है एंड मेरे ख्याल से इतने ट्रैप काफी होंगे। सबसे पहले तो सिर्फ एक ही चूचू चार्ल्स आने वाला है तो मेरे ख्याल से वो इसी ट्रैप को बीट नहीं कर पाएगा। चलो देखते हैं। और मुझे अपने लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर वॉच टावर बनाना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर आकर हम लोग उसको मार पाए। तो जल्दी से यहाँ पर इसके ऊपर सीढ़ियां भी लगा देते हैं। लेट्स गो। ओके, तो गाइस हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, अब बस हम लोग को चूचू चार्ल्स का वेट करना। तो गाइस जब तक चूचू चार्ल्स नहीं आ रहा है तब तक तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो। हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं तो जल्दी से करवा दो। A few moments later. तो गाइस यहाँ चूचू चार्ल्स आ चुका है, जल्दी से यहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हैं। और वेट अ सेकंड गाइस, ये तो यहाँ पर अटक चुका है, मुझे लगा था यहाँ पर ये जंप मार के आसानी से पार कर जाएगा, इसको बस थोड़ा ही सा डैमेज पड़ेगा। पर यार ये तो यहीं पर अटक चुका है, वैसे ये निकलने की कोशिश तो कर रहा है पर मेरे ख्याल से अब ये नहीं निकल सकता और मेरे पास खतरनाक वाला वो है। तो गाइस यार वो वाला चूचू चार्ल्स तो काफी जल्दी मर गया, मुझे लगा नहीं था कि वो उसको पार नहीं कर पाएगा। खैर आगे से मैं ध्यान रखूंगा बिकॉज अभी तो बहुत सारे चूचू चार्ल्स आने बाकी है, तो फिर मैं ट्रैप बनाने की तैयारी करता हूँ। A few moments later. तो गाइस यार काफी ज्यादा देर मेहनत करने के बाद मेरे हाथ पूरे दुखने लगे हैं एंड मैंने फाइनली जाकर ट्रैप्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। तो चलो मैं तुम लोग को एकदम पास से यहाँ पर अच्छे से टूर दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 गोलम खड़े कर रखे हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर TNT लगाया है, उसके बाद विदर रोज और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉबवेब लगा के रखी है उसको स्लो करने के लिए, और उसके बाद हनी ब्लॉक भी स्लो करता है एंड मैग्मा से थोड़ा बहुत डैमेज मिलेगा। एंड इस बार मैंने यहाँ पर रास्ता बना दिया है, पिछली बार वो यहाँ पर अटक गया था और मैंने रास्ते में यहाँ पर कॉबवेब भी लगा दिया है ताकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाए एंड वापस से यहाँ पर ये ब्लू वाली यहाँ पर उसको फायर का सामना करना पड़ेगा और यहाँ से तो वो अंदर किसी भी हालत में घुस ही नहीं पाएगा। एंड यहाँ पर हमारा टावर है, अब बस हम लोग को यहाँ पर ऊपर चढ़ के उसका वेट करना है। तो लेट्स गो, जल्दी से यहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हैं एंड उसके आने का इंतजार करते हैं। A few moments later. ओके गाइस, मुझसे एक गड़बड़ हो चुकी है, चूचू चार्ल्स तो आ चुके हैं पर मेरे पास कुछ भी नहीं है उससे लड़ने के लिए। तो गाइस अब तुम ही लोग को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वैसे चूचू चार्ल्स को हराने के लिए गन चाहिए होती है एंड मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और इस बार तो 10 चूचू चार्ल्स आए हैं, काफी सारे हैं तो मैं उसको अकेले नहीं मार पाऊंगा। तो तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे पास ओपी वाली गन आ जाए। ओके, जैसे ही तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया मेरे पास तगड़ी वाली मिनी गन आ चुकी है एंड इसको रिलोड करने का स्टाइल भी देखो कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है एंड फाइट शुरू हो चुकी है एंड इन लोग ने तो मेरे गोलम को उठा लिया। प्लीज यार मेरे गोलम इन सबको मार दें। अबे वेट, मेरे गोलम तो मर रहे हैं, मैं इन पर तभी अपनी इस मिनी गन को चलाऊंगा जब मेरे सारे गोलम मर जाएंगे। अबे नहीं, मेरे सारे गोलम मर चुके हैं एंड अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं एक एक को यहाँ पर चुन चुन के मारूंगा। लेट्स गो।
ओके मेरे TNT भी यहाँ पर फटने लगे, इन लोग को डैमेज तो हो रहा है पर यार इनकी हेल्थ काफी ज्यादा होगी। एंड एक तो ये सब लोग एक ही साथ आ रहे हैं, तो तुम लोग को लग रहा होगा कि ये एक ही दो हैं, पर ये एक दो नहीं पूरे के पूरे 10 हैं। एंड मैं इनको जल्दी से यहाँ पर मार देता हूँ, लेट्स गो। और ये लोग खुद ही TNT फोड़ रहे हैं। अबे नहीं, ये पीछे से कहाँ से घुसा आया, ये पीछे से घुसने की कोशिश कर रहा था। अबे ये तो सब कुछ पार करके आ गया और मुझे अभी रिलोड करना था। ओके तो मैं यहाँ पर अबे यार ये रिलोड होने में कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। एंड मैंने रिलोड तो कर लिया है, अबे इसको तो गोली भी नहीं लग रही है, अब मैं क्या करूं। ओके प्लीज यार गोली लग जाए यार इसको, प्लीज लग जाए। ओके फाइनली इसको लगने लगी। एंड देखा गाइस मैंने तुम लोग से कहा था ना हम लोग की हाइट कम है तो हम लोग यहाँ पर निकल सकते हैं, पर ये नहीं आ रहा। अबे ये तो ऊपर आ गया, जल्दी मारना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर सारी की सारी अपनी बंदूक की गोलियां खाली कर दूंगा वरना आज मैं नहीं बचने वाला, ये मुझे मार देगा। ओके मैंने इसको मार दिया। तो गाइस यार फाइनली जाकर बस ये लास्ट वाला बचा है तो उसको भी जल्दी से मार देते हैं। एंड लेट्स गो गाइस, हम लोग ने लास्ट वाले चूचू चास को भी यहाँ पर मार दिया है। तो गाइस यार हम लोग ने टेक्नो गेमर के कासल को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया और कोई भी चूचू चास इसके अंदर नहीं घुस पाया है। तो आई होप तुम लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सभी माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।